लोकसभा चुनाव की जैसे ही सुगबुगाहट सी होने लगी, किसी ने नीतीश कुमार को पीएम पद पर बैठाने की बात कह दी। किसी ने नीतीश कुमार को मानो एनडीए में अपनी कद्र खत्म बता दी। नीतीश कुमार ने एनडीए ही छोड़ दी, जैसे वो एनडीए छोड़ने का मन ही बनाए बैठे हो, जैसे पीएम मोदी को अपने लिए खतरा मान रहे हो। एनडीए छोड़ी तो छोड़ी, फिर तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ जैसे पूरी ताकत झोंक डाली। एनडीए से अलग होने के बाद वो सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आए पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। उन्होंने ही सबसे ज्यादा मेहनत की। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने साथ जोड़ने में नीतीश कुमार सबसे आगे रहे हैं। उन्हीं की मेहनत का नतीजा है जो विपक्षी गठबंधन बनकर तैयार हुआ है, और उसके बाद अब उनका पीएम मोदी से सामना होने जा रहा है। जी, पूरे 18 महीने के बाद 9 सितंबर 2023 को नीतीश कुमार और पीएम मोदी का आमना सामना होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से रखे गए रात्रि भोज में दोनों मिल सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। इसी में शामिल होने के लिए नीतीश दिल्ली में है। आज शाम को होने वाले इस भोज में सभी केंद्रीय मंत्री और विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। इसी क्रम में नीतीश कुमार को भी राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन लेटर दिया गया है। ऐसे में भोज के दौरान राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी वहां मौजूद रहेंगे। इसी से ऐसे आसार हैं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार मिल सकते हैं। ये अरसे बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। दोनों की पिछली मुलाकात साल 2022 में हुई थी, जब मार्च में सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उस समय उनके साथ ये दोनों नेता एक मंच पर आए थे। बाद में अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर आरजेडी से हाथ मिला लिया था। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लग गए थे, जिस संगठन का नाम एनडीए रख दिया गया। और अब तो देश का नाम बदलने को लेकर भी विवाद हो गया, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति मुर्मू के उसी लेटर से हुई है जो मुख्यमंत्रियों को इस रात्रि भोज में शामिल होने के लिए भेजा गया था। उसी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत जब विपक्षियों ने लिखा देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया था। इसे संविधान की भावना के अनुरूप नहीं बताने के विपक्षी दलों के सवाल पर बीजेपी की ओर से कहा गया था, अब देश का नाम इंडिया की जगह सिर्फ भारत ही किया जाए। वहीं जेडीयू समेत इंडिया के घटक दलों का कहना है कि विपक्ष के इंडिया नाम रखने से एनडीए की घबराहट बढ़ गई है, इसीलिए देश का नाम अब सिर्फ भारत रखने की केंद्र सरकार चालाकी कर रही है। हालांकि इसी विवाद के बीच में भारत की राजधानी दिल्ली में G20 समिट की शुरुआत हो गई है, जिसके पहले ही दिन सीएम नीतीश कुमार को रात्रि भोज के लिए दिल्ली बुलाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में इस रात्रि भोज में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की मुलाकात होगी? मुलाकात होगी तो क्या कोई बात भी होगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।